नमस्कार, एंकर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपशिका। बुलेटिन की शुरुआत खबरों से। गुजरात दंगों के मामले में अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने तीस्ता सीतलवाड़ पूर्व आईपीएस संजीव भट्ट और डीजीपी आरबी श्री कुमार के खिलाफ फर्जी दस्तावेज बनाकर साजिश रचने का मामला दर्ज किया है। आपको बता दें कि संजीव भट्ट पहले से जेल में है, जबकि तीस्ता और श्री कुमार को अब गिरफ्तार किया गया है। सीतलवाड़ को उनके मुंबई के घर से हिरासत में लेकर सांता क्रूज पुलिस स्टेशन लाया गया और रविवार को कोर्ट में पेश किया गया। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। आपको बता दें कि भारी बारिश के चलते असम में बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई गांव पानी में डूब चुके हैं, सैकड़ों हेक्टेयर फसल बर्बाद हो चुकी है। बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने के लिए राहत और बचाव कार्य किए जा रहे हैं। इसी दौरान सीएम बाढ़ क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों का जायजा लेने पहुंचे और लोगों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। मध्य प्रदेश में चार दिन के बाद ब्रेक के बाद रविवार से प्रदेश भर में बादल छाने लगे हैं। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक वेद प्रकाश सिंह ने बताया कि अरब सागर में चक्रवर्तीय गतिविधियां बनी हुई हैं। इसके कारण अरब सागर से नमी आ रही है, इसी कारण प्रदेश भर में बादल छा रहे हैं। जबलपुर और रीवा जैसे संभागों में कहीं कहीं बूंदाबांदी भी हुई। अगले 2 से 3 दिन तक इसी तरह बारिश होने की संभावना है। वहीं देर रात तक भोपाल और इंदौर में कहीं कहीं बारिश की संभावना जताई गई। जबलपुर ग्वालियर में गरज चमक की स्थिति रही। वहीं मध्य प्रदेश में अगले 24 घंटों में इस दौरान जबलपुर, शहडोल, रीवा, सागर, उज्जैन, ग्वालियर, चंबल, इंदौर, भोपाल और नर्मदापुरम में कहीं कहीं गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने का अनुमान लगाया गया है। जबलपुर, शहडोल, इंदौर और नर्मदापुरम में हल्की बारिश के भी आसार जताए गए हैं। छत्तीसगढ़ में हो रही खाद की कमी को लेकर खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने अंबिकापुर सर्किट हाउस में आपात बैठक बुलाई, जिसमें उन्होंने सहकारी समिति और खाद्य विभाग के अधिकारियों को स्टॉक चेक करने के आदेश दिए। जिसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि ट्रेनों की आवाजाही बंद होने से खाद की कमी हो रही है। ट्रेन और खाद्य केंद्र के हाथ में है, जिनकी केंद्र सरकार पूर्ति नहीं कर पा रही है। खाद पूरी तरह से भारत सरकार के अधीन है। राज्य सरकार मांग करती है और केंद्र से उसकी आपूर्ति की जाती है। मांग के अनुरूप आपूर्ति नहीं हो पा रही है। इसमें लगभग 32-33% का गैप आ रहा है, जिस वजह से किसानों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि मांग के अनुरूप सप्लाई किया जा सके। रविवार को देश में नशा मुक्त दिवस मनाया गया, जिसके चलते उत्तर प्रदेश के मैनपुरी के नेशनल पीजी कॉलेज में एनसीसी कैडेट्स ने नशा मुक्ति रैली निकाली, जिसके बाद कैडेट्स को संबोधित करते हुए कॉलेज प्राचार्य ने कहा कि नशा की जद में आने से जिंदगी खराब हो जाती है, इसीलिए नशे से दूरी बनानी चाहिए। इस दौरान एनसीसी कैडेट्स को नशा न करने की शपथ दिलाई गई। मध्य प्रदेश के हरदा में जीवन रेखा कहीं जाने वाली नर्मदा नदी का पानी दिनों दिन गंदा होता जा रहा है, जिसके चलते यहां आने वाले भक्तों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दर्शन करने आए लोगों का कहना है कि नालों से बहता गंदा पानी लोगों के धार्मिक अनुष्ठान और इसे धोबी घाट बनाने वाले लोग इस जीवन रेखा को लगातार दूषित कर रहे हैं। अगर यही हाल रहा तो एक दिन ये पूजा करने लायक भी नहीं बचेगी। अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के मौके पर मां राजेश राजवरी मेला की धर्मशाला में पुलिस यातायात विभाग की तरफ से कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें वाहन चालकों को नशा निवारण के बारे में जानकारी दी और नशा करने के दुष्परिणामों के बारे में जानकारी दी। साथ ही कार्यक्रम में सम्मिलित लोगों को नशा न करने की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम के दौरान कई उच्च अधिकारी मौजूद रहे।
आज जो अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के उपलक्ष में यहाँ पे वाहन चालकों द्वारा पुलिस विभाग के द्वारा नशा से मुक्ति के संबंध में जानकारी दी गई, इसमें योग से नशा मुक्ति की ओर जाने के लिए प्रेरित किया गया है, जिसमें उसके नशा जो करता है उसके क्या क्या दुष्परिणाम होते हैं और उसके जो नशा छोड़ने के क्या क्या फायदे होते हैं और उनके यौगिक उपाय के संबंध में जानकारी दी गई। उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह मैनपुरी पहुंचे, जहां उन्होंने अश्योली गांव के शहीद सिपाही राम जीवन लाल की प्रतिमा का अनावरण किया। आपको बता दें कि साल 1976 में राम जीवन लाल चीन से युद्ध के दौरान शहीद हो गए थे। प्रतिमा का अनावरण करने के बाद कैबिनेट मंत्री ने कहा कि इतिहास के पन्नों को गए शहीदों को ढूंढ ढूंढ कर उत्तर प्रदेश सरकार सम्मान देने का काम कर रही है। सरकार प्रदेश की सरकार खड़ी है, उनको सम्मान मिलेगा, उनके परिवारजनों को न्यायोचित सम्मान मिलेगा उनकी याद में, क्योंकि सर्वोच्च बलिदान देश की सीमा पर देश की रक्षा की सीमा की रक्षा के लिए जो उन्होंने अपने जान की कुर्बानी दी है, उनका सम्मान उनका स्वाभिमान को जिंदा रखना, उससे नई पीढ़ी को प्रेरणा देने का कार्य प्रदेश सरकार भारत सरकार। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के मतदान से पहले प्रत्याशी मतदाताओं को अपने पक्ष में सुनिश्चित करने में लगे हुए हैं। प्रदेश के कई जिलों में आचार संहिता लागू है, इसके बावजूद कटनी जिले में निर्माण कार्य कराया जा रहा है। आपको बता दें कि कटनी जनपद अध्यक्ष कन्हैया शैलेश तिवारी ने जिला पंचायत उपाध्यक्ष अशोक विश्वकर्मा पर मतदाताओं को लुभाने के लिए विकास कार्य करवाने का आरोप लगाया है। बड़वानी के समीप ग्राम रहगुन में सड़क किनारे पानी पी रहे मां बेटे को तेज रफ्तार बस ने रौंद डाला। सड़क दुर्घटना में रेखा वासकले और उसके मासूम बेटे रुस्तम की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं कोतवाली थाना बड़वानी पुलिस मौके पर पहुंची। घटना के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिला। साथ ही घटना के बाद बस ड्राइवर फरार हो गया। यात्री बस को बरामद कर पुलिस उसे थाने ले गई। आज ये डोंडाइजा बस इधर रेगुन से सिलाव जा रही थी, तेज़ रफ्तार थी और ये जो पैदल चल रहे थे रोड के साइड से, इनको पीछे से टक्कर मारी तो दोनों को ऑन द स्पॉट ख़त्म कर दिया। आज रेगुन में एक हादसा हुआ, बस से एक्सीडेंट करा एक महिला का और एक लड़के का। महिला का नाम रेखा है और लड़के का नाम रुस्तम है। दोनों के पैदल जा रहे थे, बस वाले ने पीछे से उनको दोनों टक्कर मार दी। टक्कर लगने से दोनों को स्पॉट पे उनकी डेथ हो गई। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ और रामपुर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद मैनपुरी के भाजपाइयों में जश्न का माहौल देखने को मिला है। मैनपुरी के भाजपाइयों ने घंटा घर पर जहां आतिशबाजी चलाकर जश्न मनाने का काम किया, तो वहीं दूसरी ओर एक दूसरे को मिठाई भी खिलाई। भारतीय जनता पार्टी ने इस दौरान जय श्री राम के नारे लगाने के साथ साथ मोदी योगी जिंदाबाद के नारे भी लगाए। दो महत्वपूर्ण लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में जो उपचुनाव हुआ और इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आजमगढ़ से श्री दिनेश लाल यादव निरहुआ जी और रामपुर से श्री घनश्याम लोधी जी निर्वाचित हुए हैं और एक बहुत ही ऐतिहासिक विजय का ये पल है। हाँ, मिठाई पटाखे और भी शॉट्स चलाकर हम लोगों ने खुशी का इजहार किया है और आप देख रहे हैं चौराहे पर तमाम आम जनमानस भी खुशी बहुत मना रहा है। अलीगढ़ के जिला कारागार में भारत सरकार ने नशा मुक्त के लिए 12 से 26 जून तक राष्ट्र स्तर पर नशे से आजादी पखवाड़ा मनाया। कारागार के बंदियों ने नए जोश और ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने के प्रयास में नशीली दवाओं के खतरे के खिलाफ एक मानव श्रृंखला बनाई। वहीं मानव श्रृंखला के मध्य से बंदियों की एक रैली भी निकाली गई। रैली को जेलर पी के सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं इस दौरान बंदियों ने अपने हाथों में नशे से मुक्ति और नशे से दूर रहने का संदेश देने वाले बैनर पोस्टर को लेकर शांति भाव से आगे बढ़ाया। नशीली दवाओं के दुरुपयोग रोकने के लिए एवं अवैध तस्करी के खिलाफ विश्व ड्रग दिवस आज 26 जून को मनाया जाता है, जिसके तहत जन जागरण चला करके लोगों को इसके दुष्प्रभाव के बारे में बताया जाता है।
पवई पुलिस अधीक्षक पन्ना धर्मराज मीणा ने लगातार जिलेवासियों से अपराधों की रोकथाम हेतु अपने अपने दुकानों प्रतिष्ठान में सीसीटीवी कैमरे लगवाने की अपील की ताकि अपराध नियंत्रण और अपराधियों की धरपकड़ की जा सके। इसी के तहत पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अनूठी पहल करते हुए एसडीओपी पवई सौरभ रत्नाकर में स्वयं के व्यय पर अपने निवास पवई कटनी मार्ग पर सीसीटीवी कैमरे लगवाए हैं ताकि मुख्य मार्ग से गुजरने वाले हर व्यक्ति और हर वाहन पर नजर रखी जा सके। लगातार अपराधों की रोकथाम एवं शीघ्र पतारसी के लिए लोगों से कैमरे लगाने की अपील की जा रही है। एसडीओपी स्तर थाना स्तर पर हम सभी लोग जो हैं लोगों से कैमरे लगाने के लिए अपील कर रहे हैं, उन्हें जागरूक कर रहे हैं। इसी क्रम में इसकी शुरुआत मैंने स्वयं से की है। मैंने अपने निवास सहित कटनी पवई मुख्य मार्ग पर 4 कैमरे इंस्टॉल कराए हैं। राजधानी रायपुर के एक निजी बैंक में बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है जहां 16 करोड़ से अधिक रुपए के फर्जीवाड़ा की वारदात को अंजाम दिया गया। वहीं इस मामले में एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस ने 24 घंटे के अंदर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इस फर्जीवाड़े मामले में पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है जिसमें से 2 आरोपी तेलंगाना के रहने वाले हैं। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 84,95,000 रुपये नकदी जब्त की है। मुजगंज थाना क्षेत्र में एक्सिस बैंक की तरफ से एक रिपोर्ट मिली है जिसमें एक्सिस बैंक में कुछ 16 करोड़ का फ्रॉड का केस दर्ज किया गया है। मंडी बोर्ड की तरफ से एक खाता एक्सिस बैंक में खुलाया गया था और उस खाते में कुछ फेक ऑर्डर्स के माध्यम से 16 करोड़ के ट्रांजेक्शन 13 अलग अलग खातों में देश के अलग अलग शहरों में ट्रांसफर हुए। राजधानी में मौसम वैज्ञानिकों ने भोपाल, रीवा, जबलपुर, शहडोल, इंदौर संभागों के जिलों में कहीं कहीं बारिश होने की संभावना जताई है। वहीं कई जिलों में बारिश हुई जिससे मौसम में ठंडक बना गई और पारा नीचे आ गया। शाम 5:30 बजे तक धार में 21, रीवा में 5, उमरिया में 1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड दर्ज हुई। रायसेन जिले के खरबई में शासकीय उप स्वास्थ्य केंद्र के ताले लटके होने की वजह से डिलीवरी के लिए लेकर आए एक प्रसूता को उसके परिजनों को घंटों परेशान होना पड़ा। इतना ही नहीं, यहां प्रसव कराने के लिए ना तो कोई महिला डॉक्टर मिली और ना ही दाई या वार्ड बॉय। उप स्वास्थ्य केंद्र में गेट पर ताले लटके होने के साथ ही डॉक्टर, नर्स, दाई या वार्ड बॉय गायब रहे। वहीं जिला मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी की कार्यप्रणाली पर फिर सवाल उठ रहे हैं। पहले की सरकार अपने 15 साल के कामों को भूल गई है। वे करोड़ों खर्च कर समिट कराते थे, उसके बावजूद कोई निवेश नहीं आता था। ये बात छत्तीसगढ़ के खाद्य और संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कही। इस विषय पर एमकेएन के संवाददाता ने कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत से खास बातचीत की। अमरजीत भगत हमारे साथ मौजूद हैं। भाजपा का आरोप है कि सरकार के पैसे से घूम रहे हैं और अभी तक 3.5 साल हो गया सरकार का, लेकिन निवेश नहीं ला पाए। ये लोग अपनी पुरानी जो 15 साल की कार्य पद्धति थी, जो इनका कार्यगुजारी था, उसको भूल गए लगता है। ये सबमिट कराते थे और करोड़ों अरबों रुपए उस पर खर्चा कर दिए और उनका तो निवेश आया नहीं। अब अगर हमारे सरकार की तरफ से प्रयास हो रहे हैं तो इनको आपत्ति नहीं होना चाहिए। तो ये थे छत्तीसगढ़ के संस्कृति और खाद्य मंत्री अमरजीत भगत। सरकार के 3.5 साल पूरे हो गए, 1.5 साल बचा है। इनका कहना है कि छत्तीसगढ़ के जो किसान हैं, ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ पर सरकार की जो कार्य है उसको देखने को मिलेगा। लेकिन खाद की बात करें तो छत्तीसगढ़ में किसान जो हैं वो अभी इस किल्लत से गुजर रहे हैं, खाद की कमी है। इसको लेकर जो है मंत्री अमरजीत भगत को भी उन्होंने कॉन्टेक्ट की थी और मंत्री ने कलेक्टर को तुरंत निर्देश दिया है कि ताकि उनको खाद की कमी ना हो। मैं चित्रा पटेल, MK न्यूज, रायपुर। राजधानी रायपुर में सड़क दुर्घटनाओं के चलते हर महीने 2 दर्जन से ज्यादा मौतें हो रही हैं। सड़क दुर्घटनाओं में हो रही मौतों को रोकने के लिए IGOP पॉल ने जिलों में यातायात प्रबंधन और सड़क सुरक्षा जोर देने को कहा।
इस दौरान उन्होंने बताया कि केवल एक महीने में राजधानी जयपुर में 16 लोगों ने सड़क हादसे में जान गंवाई है जबकि 30 लोग घायल हुए हैं। हाईवेज में एक्सीडेंट के संबंध में हमारे जो ट्रैफिक टीम जो है, हमारे जो चार पेट्रोलिंग हाईवे पेट्रोलिंग लगाए हैं उनके लिए, उसके बाद फिर हमारे जो रेंडम जो चेकिंग करते हैं वो अधिकारी हम लोग हाईवेज में भेजते हैं ताकि वहाँ पे एक्सीडेंट कम हो और कैजुअल्टी कम हो। और इसके बाद अभी सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी आई थी उन स्पॉटों को हमने दिखाया है उनको। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा के निर्देशन पर स्कूल शिक्षा विभाग ने राज्य में 76 नए स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खोलने की बात कही है। ये स्कूल इसी शैक्षणिक सत्र से प्रारंभ किए जा रहे हैं। इन नए स्कूलों में विद्यार्थियों को 1 जुलाई से प्रवेश दिया जाएगा। कलेक्टरों को नवीन स्कूलों में आवश्यकता अनुसार शैक्षिक और गैर शैक्षिक पदों की पूर्ति के साथ ही अन्य व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। रायपुर में 12 स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय और शुरू किए जा रहे हैं। स्कूल शिक्षा मंत्री हमारे साथ मौजूद हैं। कल एक बड़ी घोषणा की है आप लोगों ने कि आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल खोलने की, रायपुर जिला में और 12 बढ़ाने की आप लोगों ने घोषणा की है। नहीं, छत्तीसगढ़ में शिक्षा के क्षेत्र में जो काम हो रहा है उसमें अंग्रेजी माध्यम का जो सरकारी तौर पे जो स्कूल खोला जा रहा है बहुत ही उसकी लोकप्रियता है। हम लोग ने पहले 171 स्कूल खोले हैं। अभी कल हमने विभाग को भेजा था तो कल उसकी स्वीकृति मिली हुई है। तो पूरे प्रदेश में पुनः हम लोग 76 स्कूल और खोल रहे हैं। ये रायपुर में 12 और आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल खोलने का निर्णय सरकार ने लिया है और शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के साथ में जो है बिरगांव में भी स्कूल खोले जाएंगे। निश्चित तौर से यहाँ के जो बच्चे हैं रायपुर शहर के उनको इस स्कूल में पढ़ने का मौका मिलेगा। कैमरामैन अजहर के साथ मैं चित्रा पटेल, MK न्यूज़ रायपुर। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लगातार अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई कर रही है जिसके चलते आपको बता दें कि अवैध अतिक्रमण के खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही है वो लगातार उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कर रही है। मैनपुरी शहर के शमशान घाट रोड पर अतिक्रमण हटाया गया। इसके अलावा जिले में अवैध प्लॉटिंग का मकड़ जाल फैला रहे लोगों के खिलाफ अभियान चलाया गया है जिसमें प्लॉटिंग के दौरान बनी सड़कों को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। इस कार्रवाई के दौरान सदर SDM भारी पुलिस बल के साथ मौके पर मौजूद रहे। क्षेत्र में किसी भी तरह का आवासीय निर्माण अलाउड नहीं है, ये जनक्षति के लिए भी है और ये भी प्रॉब्लम है यहाँ पे कि यहाँ कोई नक्शा नहीं पास हो सकता, इसलिए यहाँ पे अवैध अतिक्रमण के अगेंस्ट अभियान चलाया गया है जैसा कि शासन की मंशा है। यह हमारा जो अभियान है कम से कम भी 15 दिन चलेगा जहाँ पे हमारा मेन फोकस है उन भूमाफियाओं पे जो अवैध प्लॉटिंग करते हैं। छत्तीसगढ़ के सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम साय सिंह टीकाम की अध्यक्षता में नवा रायपुर स्थित महानदी मंत्रालय भवन में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। मंत्री डॉक्टर टीकाम ने अधिकारियों को किसानों को 5,800 करोड़ रुपए का अल्पकालीन कृषि ऋण सितंबर माह तक अनिवार्य रूप से वितरित करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप लाख पालन, मछली पालन, डेयरी और पशुपालन के लिए किसानों को प्राथमिकता से ऋण मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं। इसी को लेकर संवाददाता चित्रा पटेल ने मंत्री डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम से खास बातचीत की। छत्तीसगढ़ के स्कूल खाद्य शिक्षा मंत्री प्रेम सिंह टेकाम हमारे साथ मौजूद हैं। खेती किसानी का सीजन है, किसान खेती कर रहे हैं, अभी खाद की उनको ज़रूरत पड़ रही है, क्या खाद की कमी है? नहीं, छत्तीसगढ़ तो किसान प्रधान देश प्रदेश है, यहाँ खेती मुख्य यहाँ पर व्यवसाय है लोगों का और आज हम देखें तो 70% लोग खेती किसानी करते हैं, सब उसमें जुड़े हुए हैं। तो सरकार की जो फोकस है वो किसानों के प्रति है, अच्छे उनको बीज मिल जाए, अच्छे खाद मिल जाए। उसकी भी मैंने कल समीक्षा किया था तो उस समीक्षा में मैंने ये पाया कि जो हमारी जो टारगेट है 2022 का वो 5,800 करोड़ ऋण बांटने का है और अब तक हम लोगों ने 3,32,43 करोड़ 83 लाख
का बांट चुका है। और इसी तारीख को, इसी सीजन में, विगत वर्ष में 2021 में हमने 1760 करोड़ बांटा था। तो इस साल हम लोग ने बढ़ोतरी किया है, इस साल हमने पूरे से उसका निगरानी और समीक्षा करते रहे हैं। तो इस साल हम लोग ने बढ़ाया है, टारगेट भी बढ़ाया है और लोगों के ऋण भी वितरण अधिक हुआ है। तो ये थे स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेम साय सिंह टेकाम। इन्होंने जैसा कि बताया है कि किसानों के ऋण के लिए 58 करोड़ का जो लक्ष्य रखा है, केसीसी बिल उसको लक्ष्य रखा है, इसको आने वाले समय पे देखना होगा कि क्या इस लक्ष्य पे राज्य सरकार कायम रहेगी। मैं चित्रा पटेल, MK न्यूज, रायपुर। दुर्ग जिले में लगातार हो रही हत्या और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर SP डॉक्टर अभिषेक पल्लव फुल एक्शन में है। SP ने कॉबिंग गश्त के दौरान कई थानों का निरीक्षण किया और रात्रि गश्त में लगे पुलिस कर्मियों के हाल जाने। वहीं साथ ही शासन से मिलने वाले साप्ताहिक अवकाश के उपयोग को लेकर भी चर्चा की गई। आपको बता दें कि शहर की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर दुर्ग SP लगातार काम कर रहे हैं। उनके एक्शन के कारण थानों में ड्यूटी करने वाले पुलिस कर्मचारी भी हरकत में हैं। रात में हम लोगों ने पूरे जिले के तमाम थाने और चौकी का गश्त किया। जो हमारा गश्त पॉइंट था वहाँ पे ब्रीफ किया गया। इससे जो पुलिस के अधीनस्थ जो कर्मचारी होते हैं, कांस्टेबल से लेके इंस्पेक्टर तक, उनका मनोबल पे काफ़ी फर्क पड़ता है। हमें फीडबैक मिलता है कि गश्त में कैसे इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है और उनकी जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं उससे भी हम रूबरू होते हैं। अब बात मुंबई PWD विभाग के घोटालों की है, जहां कुछ भ्रष्ट सरकारी अधिकारी ही सरकार और आम जनता को नुकसान पहुंचाते हैं, फिर चाहे वो सरकारी विभाग हो या फिर गैर सरकारी। हर विभाग को बड़ी बड़ी जिम्मेदारी से बांध दिया जाता है, लेकिन कुछ सरकारी नुमाइंदे करोड़ों के घोटालों के नीचे इतना दबे हुए हैं कि उनको विकास और जिम्मेदारी का भार उठाना भी मुश्किल पड़ता है। या साफ शब्दों में कहें तो सरकार के कुछ भ्रष्ट नुमाइंदे ही सरकार और जनता के लिए आस्तीन का सांप बनकर बैठे हैं। अब ऐसे में लाजमी है कि जनता की परेशानी सुनने वाला कोई नहीं है। देखिए रिपोर्ट। PWD विभाग में घोटालों का बोलबाला। महाराष्ट्र के मुंबई में PWD का बड़ा घोटाला। पैसे खिलाने वाले सरदार और ईमानदार कर्जदार। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर या डिप्टी इंजीनियर जिम्मेदार। क्या काले का नामों के जिम्मेदार नांद्रेकर साहब? आखिर कौन है करोड़ों के घोटाले का जिम्मेदार? आखिर कब रुकेगा भ्रष्टाचार? जनता कर रही जांच की मांग। आखिर क्यों सरकारी नियमों को तोड़कर टेंडर दिया गया? बिना काम किए बिल क्यों दिए गए? ठेकेदार और भ्रष्ट अधिकारियों की साठ गांठ। पैसे लेकर टेंडर देने का आरोप। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुंबई में PWD विभाग में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर चंद्रकांत नाइक और डिप्टी इंजीनियर नांद्रेकर कार्यरत हैं। प्रेसिडेंसी डिवीजन को राज्य सरकार की संपत्तियों की मरम्मत और रखरखाव के लिए अनुदान देती है और इसी अनुदान से ही ये काम होते हैं। सरकारी पैसे का खूब दुरुपयोग किया जा रहा है, काम न करते हुए भी बिल अदा किए जा रहे हैं और इसी निधि का गबन किए जाने का आरोप एग्जीक्यूटिव इंजीनियर चंद्रकांत नाइक और डिप्टी इंजीनियर नांद्रेकर पर लगाया जा रहा है। बता दें कि 2 साल पहले भी कार्यकारी अभियंता स्वामीदास चौबे द्वारा गड़बड़ी पाई गई थी। आखिर इन सब अवैध कामों को बढ़ावा किसके संरक्षण में दिया जाता है? तो इन घोटालों की IIT मुंबई द्वारा जांच की जाने की मांग की जा रही है और आम जनता द्वारा मास्टरमाइंड कहे जाने वाले नांद्रेकर व संबंधित अधिकारियों के फोन रिकॉर्ड, संपत्ति तथा बैंक लेनदेन की जांच करने की मांग आम जनता द्वारा की जा रही है। वहीं छोटे ठेकेदारों और आम जनता का कहना है कि जांच के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। देखने वाली बात यह है कि इन घोटालेबाजों पर आखिर कार्रवाई जो है वो कब तक होती है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप तमाम खबरों के लिए देखते रहिए MK न्यूज़। नमस्कार।